दोस्तों आज के इस वीडियो में बायो डी थ्री मैक्स कैप्सूल का यूजेस, डोजेस, प्राइस और ये कैप्सूल यूज करने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, यही सारे बातें इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो कहना चाहूंगा ये बायो डी थ्री मैक्स कैप्सूल किसी डॉक्टर के सलाह से ही यूज करना चाहिए और ये कैप्सूल ज्यादातर मेडिकल शॉप या केमिस्ट्री शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और अगर हम बात करें इसका कंपनी की तो दोस्तों मैकलियोड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बनाती है इस कैप्सूल को। और अगर हम बात करें इसका एमआरपी की तो दोस्तों 15 कैप्सूल का एक स्ट्रिप होता है, एक स्ट्रिप का कीमत है 323 रुपए, 323 रुपीस ओनली, और ये कीमत फ्लक्चुएट होते रहते है। तो आइए दोस्तों अब हम जानते है ये बायो डी थ्री मैक्स कैप्सूल में क्या क्या कॉन्टेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों इस कैप्सूल में जो कॉन्टेंट्स का इस्तेमाल किया गया है वो है कैल्सिट्रोल, मेगा 330 एसिड, मेथिकोब्रामाइन, फॉलिक एसिड, ब्रोन एंड कैल्शियम कार्बोनेट सॉफ्ट जिलाटिन कैप्सूल, जो कि इस कैप्सूल का यूज होता है जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, खून की कमी, आंत का रोग या किडनी डिसीज, लिवर डिसीज, इसके अलावा कैल्शियम की कमी या पोटासियम की कमी या विटामिन डी3 की कमी, इसके अलावा पेक्रियास डिसीज या डायबिटिक, इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है ये कैप्सूल। और अगर हम बात करें ये बायो डी थ्री मैक्स कैप्सूल यूज करने का क्या डोज होना चाहिए तो दोस्तों ज्यादातर एडल्ट के लिए दिन में एक कैप्सूल खाना खाने के बाद प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। और अगर हम बात करें ये बायो डी थ्री मैक्स कैप्सूल यूज करने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है तो दोस्तों इस कैप्सूल का कई साइड इफेक्ट है, जैसे कि खाना निकलने में समस्या या कफ की समस्या या थकान महसूस होना, इसके अलावा चेहरे की सूजन या स्किन में लाल चकत्ते निकलना या छाती में जकड़न, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है यदि पेशेंट को ये बायो डी थ्री मैक्स कैप्सूल सूट ना करे तो। यदि आपको यह कैप्सूल यूज करने से कोई भी साइड इफेक्ट दिखाई दे या गंभीर कोई समस्या हो तो आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना कीजिए और तुरंत किसी डॉक्टर से संपर्क कीजिए। तो दोस्तों यही था बायो डी थ्री मैक्स कैप्सूल को लेकर कुछ जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।